हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी फूड विथिकरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं चना और उड़द का मिक्स दाल। दोस्तों, यह दाल बेहद सिंपल तरीके से बनाई जाती है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती है। दाल में बहुत अधिक प्रोटीन होता है, इसे हमें खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस मिक्स दाल को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हमने लिया है आधा कटोरी चना दाल। जितना हम चना दाल लेंगे, उसके भी आधा हम उड़द दाल लेंगे। एक मीडियम साइज का लंबाई में कटा हुआ प्याज, एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन कुटी हुई, 3 से 4 हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैंने लिया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हम डालेंगे अपनी दाल, जिसे मैंने अच्छे से 3 से 4 पानी धो करके साफ़ कर लिया था तथा 15 मिनट के लिए भिगो लिया था। अब हम डालेंगे इसमें 1.5 गिलास पानी। दोस्तों, इस दाल में लगभग 2 गिलास पानी का यूज हुआ है। मैंने 1.5 गिलास इसलिए डाला है क्योंकि आधे गिलास पानी में मैंने दाल को भिगो लिया था। अब हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च नमक और प्याज। इन सबको डाल करके हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और लगभग 15 मिनट तक इसे प्रेशर आने के बाद पकाएंगे। 15 मिनट के बाद दाल हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसे मथ लेंगे। दोस्तों, चने की दाल थोड़ी मिक्स नहीं होती है पकने के बाद भी, तो हमें इसे मिलाने के लिए मथना पड़ता है। अब हम डालेंगे यहाँ पर भुना हुआ 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। इससे दाल का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों, अब हम डालेंगे एक पैन में 2 छोटे चम्मच घी का। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप कोई भी रिफाइंड या सरसों के तेल में इसमें तड़का लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा हींग और एक छोटा सा प्याज, जिसे महीन महीन मैंने काट लिया था। अब हम घी में डाल करके अच्छे से भुनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे दाल में डाल देंगे। दोस्तों, तड़का डालने के बाद हमें जल्दी से ढक्कन को बंद कर देना चाहिए ताकि जो तड़के की खुशबू है वह दाल में अच्छे से रम जाए। ये देखिए दोस्तों, दाल हमारी कितनी टेस्टी, बहुत ही अच्छी, बहुत लाजवाब तैयार है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।